संत गुरु रविदास महाराज नहीं त्याग सकते, तो संत गुरु रविदास महाराज को मानने वाले जो उनके अनुयायी है, जब तक उनका वो पावन दरबार वापिस तुगलकाबाद समिति को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो इस धरना प्रदर्शन को अविलंब जारी रखेंगे। सरकार से एक बार पुनः मांग करते हैं कि वो जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें और 40 करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए गुरु रविदास महाराज जी के उस पावन दरबार को पुनः उसी मूल स्थान पर स्थापित करके उस मंदिर प्रबंधक कमेटी को, तुगलकाबाद के समाज को समर्पित करें। पूरा देश और दुनिया के लोग आज उनके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और अभी ये तादाद आपको सैकड़ों में दिखाई दे रही है बंधुओं, और जैसे जैसे भनक लगेगी राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि लोगों को मना किया गया है, ये सांकेतिक धरना है, अगर सरकार ने समय रहते हुए अगर अपनी बातों पर पुनर्विचार नहीं किया, हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, तो ये धरना आंदोलन का रूप भी ले सकता है। और आगे जिस तरह 2 अप्रैल को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बहुजन समाज सड़कों पर निकला था, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि भारत के अध्याय में फिर दोबारा से कोई वो नाम जुड़े। हम चाहेंगे कि शांति का पैगाम दिया था भगवान गुरु रविदास ने, देश की अखंडता और एकता को मजबूत किया था गुरु रविदास ने, इस देश को समता और समरसता का संदेश दिया था गुरु रविदास जी ने, वो अहिंसा के पुजारी थे और परम देश भक्त थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो उस महापुरुष के प्राचीन ऐतिहासिक दरबार को पुनः बना करके इस देश और दुनिया के लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, धन गुरु रविदास जी। धन्यवाद करना चाहूंगा चौधरी नंबरदार इंदर सिंह जी का, जो गुरु रविदास मंदिर बादली से हमारे बीच में पहुंचे हैं। कई हजार लोगों को आपने 2-3 दिन तक बराबर भोजन दिया, उनको विश्राम का अवसर वहां प्रदान किया। पंजाब की ओर से, जम्मू कश्मीर की ओर से, हिमाचल की ओर से आने वाली संगत को आपने बहुत सत्कार दिया, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूँगा भाई मनोज कुमार पत्रकार का, जो बब्बर शेर की तरह अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतर आता है। मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष धन्यवाद अपने प्रधान ऋषिपाल जी का, उनकी टीम का, और तुगलकाबाद के उन तमाम सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, और अपनी माता और बहनों का, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं जानता हूँ वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में। साथियों, ये लड़ाई केवल जमीन की नहीं है, ये लड़ाई है बहुजन समाज के अस्तित्व की, ये लड़ाई है हमारी भावनाओं की, ये लड़ाई है हमारे धर्म की, ये लड़ाई है हमारे उस महापुरुष के नाम की, जिसने पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, वक्त आगे मिला जरूर आपको आगे भी भजन सुनाता रहूंगा, लेकिन निवेदन करूंगा संचालक महोदय को कि वो सभा को विधिवत चलाएं, और तमाम पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी आवाज आप है, आपके माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि आज इस समाज के साथ कितना बड़ा जुल्म और अत्याचार हुआ है। धन्यवाद भाइयों आप सभी का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।